सो मोस्ट ऑफ द टाइम हैड टू स्पेंड विद दम बिकॉज ऐमन रामान की कोई आउटडोर सीन्स अगर हैं दे वुड गो आउट तो हम एक मेकअप रूम में कोई मतलब पूरी पलटून फंसी हुई होती थी तो कमाली और अली सफीना का कोई डिफरेंस नहीं है रियल लाइफ ओके अली सफीना वही एनर्जी है जो कमाली है कमाली की एनर्जी इतनी नहीं थी जितनी अली सफीना ने बनाई है और वो इसलिए अच्छा लग रहा है और ज़्यादा बिकॉज इट्स हिज नेचुरल तो अली सफीना में मोरू नवीन मीरा सेठी अमेजिंग ह्यूमन जस्ट बाय द वे वेरी वेरी लाइक आई डोंट है उनका बात करने का तरीका इज अमेजिंग जिनेद था सैफी भाई थे जिवेद आपा मतलब लाइक माय मॉम दर एंटायरिटी ऑफ द फोर मंथ अमेजिंग एंड असद भाई ऑफकोर्स तो वेरी फन विद दम हम लोग मोरू की तरफ गए थे एक वही स्टैंडर्ड वाले सीन में बीच में एक ब्रेक थी तो वी वेंट टू स्टार के बाद यूट मोरूज प्लेस आई गॉट स्टक इन द एलिटर आई या सो वी ऑल गॉट स्टक इन द एलिवेटर सो इमेजिन एक एलिवेटर उसमें मीरा सेठी मोरू जुनेद नवीन अली सफीना और मीरा वली बली फे और मीरा वली को है क्लास प्रफोबिया और मीरा वली को मतलब ट्रॉमा है एलिवेटर में फंसने से तो वी विवन पोस्टेड नवीन पोस्टर वीडियो ऑफ इट ऑन इंस्टाग्राम तो फ़नी इनफ जैसे हम एंटर हुए तो मीरा ने कहा वीडियो बनाते हैं कि यू नो दिखाएं कि हम कितना क्रैपटप हैं इसमें मैंने कहा ओके ओके आई गे फर माई फोन वो वीडियो बना रही है और आई थिंक बिकॉज ये वो टू मेनी पीपल इन लिफ्ट लेफ्ट तो वो लिफ्ट बहुत भारी हो गई और कोई वेट का मसला हो गया तो वो दो फ्लोर्स के बीच में रुक गई ओके okay. मतलब फंस गई हाँ हाँ. और मुरू की आवाज़ आती है उसमें तैमूर की कि एंड हियर वी गो के मतलब उसका फ्लोर आ गया धक्का दे रहे नहीं खुल रहा तो अब उसने कहा वो वो डिड वी प्रेस अनदर फ्लोर किस वो बीच में फंसी हुई थी तो अब वो लोग कन्फ्यूज़ हो गया और वो लोग कह रहे हैं कि वो oh, मैं हंसती क्यों कि हाँ फिर एकदम से नवीन कहती है

That did not sound like an alarm. तो मैं डर गई और मैं कह रही हूँ और मैं वीडियो में बोरी हुआ है इस डेट के स्क्रीमिंग मैं और चीख रही हूँ और फिर ही वीडियो बंद हुई थी वॉज फाइन थोड़ा सा डरी फिर उसके बाद मैं अपने मोरू के जब फाइनली एक बंदा एक गार्ड बाहर से आया उसने इतनी कैजअली कहा के खोल लिया गेट जैसे हर दिन नहीं होता है भाई क्या हो गया मोरू के जब घर गई हिज लवली वाइफ मेड एस टी एंड एवरी थिंग तो मैं सोफे बैठ के वो सीए गई थी तो मुझे अली तो मतलब सफीना कह था तुम मतलब सच में ड्रामाटाइज हो मैंने कहा सफी डिज यू नॉट सी माई मेल्ट डाउन इन द लिफ्ट एंड लेफ्ट मुझे लगा तुम तो मतलब नॉर्मल सी है मैंने थोड़ा नहीं, 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 नहीं। नहीं कर रही हो तो। नहीं, 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 <laughs> नहीं, मुझे बहुत डर लगता है लिफ्ट में फंसने कुछ लोगों को होता है या आई एम श्योर पीपल वाचिंग उनको पता होगा कि जो लोग फंसे हुए ना लिफ्ट में उनको पता होगा कि कितना अल्लाह का शुक्र भाई पाँच छः मिनट का वो

हमारे जो रूम था एक मेकअप रूम था उसके साथ ही एक बड़ा सा लॉन एरिया था उधर सिर्फ दो चेयर्स लगी हुई थी बैठने okay. के लिए और एक गोल इतनी लिटरली इतनी सी टेबल ठीक है ठीक है उसमें बस हम बैठते थे छह लोग खड़े होते थे दो लोग बैठते थे बारी बारी लेके अच्छा और वो कैफे फ्लो था।, <laughs> था और वो मतलब जैसे यू वांट टू गो टू कैफे फ्लो एंड आई एम लाइक पहले मुझे लगा शुरू के दिनों में कि मतलब हम एक्चुअली चप्टन जा रहे हैं कहीं फ्लो जाने के लिए ठीक है और फिर मुझे पता चला नहीं ये तो ये है। उधर वो बाहर के खा रहे होते हैं <laughs> वो इन द कैफे फ्लो तो बहुत फन था जो शहजीन की शादी थी उसमें हमने बहुत कैफ़े फ्लो में बैठे और बहुत गप्पे हुई और एक दिन तो ऐसा था क्योंकि वो इवेंट था तो मतलब रात के नौ बजे शूट स्टार्ट होता था सुबह छः बजे एंड होता था ओके ओफ 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 मुन के नहीं जाना शुरू हो गया बात के बारे में कैसे आप लोग सरवाइव करते मैं तो नहीं सोच सकती एग्जैक्टली और एक दिन आया था मुझे पाँच बजे बुलाया और रात तक मेरा कोई सीन नहीं बन पाया सेंट अ कपल ऑफ अस होम तो मतलब मैं थी बट you know, yeah. yeah. होता है, कि बहुत काम है और ये वो hmm. तो मतलब बहुत मसले भी होते हैं बीच में बट देन अगेन इट्स वर्क तो सेट पे बहुत फन चीजिंग ट्वेंटी फोर सेवन हंसा रहा था मतलब कोई ऐसा टाइम नहीं आया मैं मैं ना सेट पर सो जाया करती थी ना मेकअप रूम में बेड बड़ा कम्फर्टेबल था ए सी होता था, था और सीन के बीच में कुछ नहीं करने को तो मैं सो जा रही थी थोड़ी बहुत मुझे बात थी बिल्ली बिल्ली मीरंग और मैं ऐसे उठती थी डर के और सफीना सामने बैठा हुआ था तो मुझे देख रहा oh था तो जब भी आई नो और इतनी क्रीपी बस और छः फुट चार का एक आदमी एक इतनी सी बच्ची के सामने और वो ऐसे खड़ा हुआ तो जो शार्डो नजर आ रहे कि ऊपर से कोई चीज़ देख रही है आपको तो

एक हाँ। और इंसान जिंदगी में आपके आ गया है। हाँ। हाँ, आप actually, मुझे no, actually, हाँ। मैं अब आपकी दोनों बातों को मैं अपनी बात और आपकी बातों को कनेक्ट करी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फीलिंग स्पेशल कम्स टूगेदर कि yeah. एक बंदा आपकी जिंदगी में या बंदी एंटर हो गई है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उससे कनेक्शन भी है and, and